खबर शामिल करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान खातून जज से माफी मांगने को तैयार हो गए। इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए, खातून जज से माफी मांगने को वो तैयार हो चुके हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। साबिक वजीर आजम आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए और खातून जज से माफी मांगने को तैयार हो गए। इमरान खान खातून जज से माफी मांगने को तैयार हो गए। आपको बताते चलें कि खातून जज पर धमकियों का इल्जाम था और उस पर यह केस बना था, तो इन्हें अदालत का केस था। इमरान खान आज अदालत में पेश हुए और इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। इमरान खान खातून जज से माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद, फर्द जुर्म खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में आयद की गई है। इमरान खान खातून जज से माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इमरान खान ने गुज़श्ता समाअत पर अदालत को गैर तसल्ली बख्श जवाब जमा कराया था। इमरान खान खातून जज से माफी मांगने पर तैयार हो गए। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी या कि नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इमरान खान ने गुज़श्ता समाअत पर अदालत को गैर तसल्ली बख्श जवाब जमा कराया था। इमरान खान आज अदालत में पेश हुए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुंचे और उनसे इजहार यकजहती करते रहे। पुलिस ने G11 चौक पर कारकुनान को रोक लिया और उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। तौहीन अदालत केस, इमरान खान खातून जज से माफी मांगने पर तैयार हो गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इमरान खान ने गुज़श्ता समाअत पर